आज की कहानी है इंद्र भगवान की। एक बार ना इंद्र भगवान सारे गांव वालों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं अब यहाँ 12 साल तक कोई बारिश नहीं आएगी। तो गांव वाले उनकी बहुत पूजा करते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो इंद्र भगवान और आप हमारे खेतों में बारिश दो। वो कहते हैं नहीं, बारिश नहीं आएगी 12 साल तक। अब सारे किसान के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, सिर्फ वो पूजा ही कर सकते थे, वो पूजा करते रहते हैं। और एक किसान होता है वो अपने खेत में नॉर्मल उठ के जाता है, सीड लगाता है, सारा वैसे ही काम करता है जैसे कि वो रोजाना करता था। और साथ में जो किसान पूजा कर रहे थे वो सुबह पूजा भी करता था। अब इंद्र भगवान कहते कि ठीक है, अगर तुम लोग इतना प्रेयर कर रहे हो तो कब बारिश आएगी? जब शिवजी जी अपना डमरू बजा देंगे। तो वो बोलते हैं अच्छा, तो फिर ना क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे अपना एक तरह से हिम्मत ही हार देते हैं सारे। पर एक जो वो किसान था वो पूरे टाइम से उठकर अपना पूरा खेत जाता था, सारा काम करता था। अब पार्वती जी भी ऊपर से सब देख रही होती हैं, तो वो बोलती है और सारे गांव वाले ना उसका मजाक उड़ाते रहते थे कि इतना फनी है, पता है कि 12 साल बाद बारिश आएगी फिर भी काम पे लगा हुआ है। और पार्वती जी बोलती है शिवजी जी को कि कितना मेहनती आदमी है ना, रोज उठ के टाइम से जाता है, अपना सारा काम भी करता है। और फिर नीचे के गांव वालों से पूछते हैं कि तुम क्यों करते हो यार इतना काम जब बारिश भी नहीं आएगी, कुछ होने नहीं वाला है। तो बोलते हैं अरे मैं अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे को तो वो करना ही है, पता लगेगा 12 साल बाद मेरी बॉडी इतनी पावरफुल ही नहीं रही कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और उसे आदत ही नहीं रही काम करने की, इसलिए अपना काम तो मैं रोज करता रहूंगा। तो पार्वती जी शिव जी से बोलती है कि जब वो आदमी जो है वो सोच रहा है कि मैं अपना अभ्यास तो नहीं भूल जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस तो नहीं मिस हो जाएगी, तो कहीं आप तो नहीं भूल जाओगे डमरू बजाना? तो शिव जी ने ऐसे डमरू उठाते और बोलते डमरू बजाना भूल जाऊंगा, और डमरू तो बच जाता है, बारिश आ जाती है और सिर्फ उसी किसान के यहाँ पे खेती आती है। तो पता है आपको कि हमें अपनी प्रैक्टिस और अपना काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। शिवजी जी का डमरू तो कभी भी बच सकता है, ये सोच के कि कोरोना है और मैं कुछ भी ना करूं वैसा नहीं करना है, जो हम करते हैं उसे ज्यादा अच्छे से सीखना है, बिकॉज यही टाइम है। शिवजी जी का डमरू तो कभी भी बच सकता है। थैंक यू।